してるより愛してることを伝える言葉がないのはきっと言葉に頼らずあなたのことを抱きしめて愛伝えるためなのかな。あなたはいつも絶え間なく優しく包み込むような愛をくれる。あとどれくらいわがままを言えば僕は大人になれるかな。どれくらいの涙を引き換えてあなたは。फैमिली आज सुबह सुबह मैंने बहुत सारी सब्जियां निकाली हैं मेरे गार्डन से, तो एक बार आपको दिखाती हूँ इन सब्जियों को। देखिए आज मैंने ये गोभी, ये बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ा मेथी भी निकाला है, और ये हमारा थोड़ा मिंट लीव्स भी है, जिससे कि आज हाँ ये आपको मैंने बताया, ये लाल टमाटर और ये हरा टमाटर, ये दोनों टमाटर और ये सब मिला के आज इसकी हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे, तो मिलते हैं। चलिए मैं आप आज का सूप के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। कुछ इसमें से सामान जो है ये मेरे गार्डन का ही है, चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं। ये आपका कैरेट हो गया, कैरेट को मैंने चॉप करके रख लिया है। टमाटर हो गया, टमाटर ग्रीन टमाटो, मगर मैंने उसको पकने के बाद रेड टमाटर्स रख लिए हैं। कैबेज हो गया, आपका गार्लिक है, कॉर्न है, ये ऑफकोर्स मेरे गार्डन का नहीं है और ये अनियन और करियंडर, ये बीन्स और ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम और ये ग्रीन चिलीज़ और ये सब, हाँ ये लेमन, लेमन हम लास्ट में इसको थोड़ा स्क्वीज़ करेंगे टेस्ट के लिए। और गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने बटर के साथ, ये रहा मेरा बटर जो कि मैं आपके बाद में बताऊंगी, और बटर के साथ थोड़ा सा ब्रेड रखा है। ओके सो लेट्स स्टार्ट, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने ज़रा सा तेल डाला और तेल के बाद मैं उसमें ये तेज़पत्ता डालूँगी। आप चाहे तो तेज़पत्ता डाल सकते हैं या तो फिर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और तेज़पत्ता थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें गार्लिक डाल देंगे। ये जो सूप है ये सर्दियों के लिए बहुत ही एक पौष्टिक, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस सूप है, और ये बहुत हेल्दी डिनर होगा आप सबके लिए। देन थोड़ा सा गार्लिक फ्राई हो गया तो हमने हरी मिर्च डाल दी, अब इसको हम स्टीयर कर देंगे। जैसे ही गार्लिक का अपना कलर चेंज होगा, देन अब हम इसमें ऐसी सब्जियां डालेंगे जो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने में। हम थोड़ा चॉप्ड कैरेट डालेंगे और फिर इसके बीन्स डालेंगे। ये सब्जियां थोड़ा टाइम लगाता है पकने में, तो हम इसको पहले डालेंगे। यस, हम इसमें चॉप्ड ऑनियन भी इस टाइम डाल सकते हैं थोड़े फ्लेवर के लिए, और जो ऑनियन नहीं खाता है वो इसको इस स्टेप को अवॉइड कर सकता है। अब ये तीनों वेजिटेबल्स जो हैं हम इसको फ्राई करेंगे, और इन वेजिटेबल्स को हम हल्का फ्राई करेंगे, थोड़ा सूप को क्रंची रहने देंगे ताकि वो अच्छा रहेगा, क्रंचीनेस आएगा और वो टेस्ट में अच्छा रहेगा। अब इस टाइम जब वो पक रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। जिनको स्वीट कॉर्न पसंद नहीं है वो इस फ्लेवर को चेंज करने के लिए उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है तो फिर मैं अपने सूप में ये डालती हूँ। और जैसे कि मैंने गार्लिक डाला, जिसको जिंजर का भी ऑप्शन है, जिनको अच्छा लगता है दे कैन यूज इट। फिर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे,
तीखापन के लिए मैंने तो हरी मिर्च डाला ही है, जिनको वो इतना पसंद नहीं है हरी मिर्च, तो वो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और मुझे ये दोनों पसंद है तो मैंने अपने सूप में दोनों ऐड किया है। काली मिर्च गले के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि अभी आज के सिचुएशन में हमको ये चीज़ें अपने खाने में लाना चाहिए, ताकि हमारा जो हेल्थ है, जो काली मिर्च के जो फ़ायदे हैं वो हमको मिल सके। ओके, नाउ अब ये थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे और इसमें हम पानी मिलाएंगे। थोड़ा पकने के बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। और इसमें एक उबाल तक हम इसको पकाएंगे। आपको जितना सूप में पानी चाहिए, जिस क्वांटिटी में आपको बनाना है, उतना आप पानी मिला सकते हैं। अब देखिए, मेरा सूप में पानी अब मैं डाल चुकी हूँ। एक चीज़ मैं अभी डालूँगी, वो है चॉप्ड टमाटोस। थोड़ा सा मुझे खट्टापन भी चाहिए जो कि नेचुरल हो। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि जो नेचुरल चीज़ें जो मेरे गार्डन में होता है वो मैं अपने खाने पीने में यूज़ करूँ। तो अब मैंने जो चॉप चॉप टमाटोज़ हैं वो भी ऐड कर दिए। अब इस सूप को मैं ढक दूँगी और एक उबाल तक हम वेट करेंगे। चलिए, जब तक हमारा सूप ये वाला अब गर्म पकने के लिए रखा गया है, तब तक हम ये बटर तैयार करते हैं हमारे गार्लिक ब्रेड के लिए। इस बटर में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद मैं जितना हो सके गार्लिक फ्लेवर मैं इस पे ऐड करूँगी। आपको अगर ज़्यादा गार्लिक पसंद है तो आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने मिंट के पत्ते, जो कि मेरे गार्डन में हुआ था, मैंने उसको ड्राई करके इसमें डाला है, और करियंडर लीव्स। बस चलिए, अब हम इसको ये सब स्टियर करेंगे और जैसे इस बटर को हम ब्रेड पे लगाएंगे। चाहे तो आप ब्रेड लोब्स ले सकते हैं, मेरे पास ये ब्रेड था तो मैंने इसी ब्रेड से ही बनाना शुरू किया। अब देखिए, पूरे ब्रेड में मैंने बटर को लगा दिया है और ये हमारा दूसरा ब्रेड। अब देखिए, इस ब्रेड में भी मैंने अप्लाई कर दिया है फॉर टेस्ट। हम चाहे तो इसको टोस्ट हम तवे पे भी कर सकते हैं, या तो फिर हम इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। यदि सूप में उबाल आ जाए तो इसमें आप थोड़ा सा अपना कैबेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पकने में बहुत कम टाइम लेता है। तो आप कैबेज ऐड कर दीजिए और ऊपर से आप शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सब्जियां हैं जो कि कम टाइम लेती हैं पकने में। तो हम उसको इस वक्त ऐड कर सकते हैं। थोड़ा कोरिएंडर भी आप अभी डाल सकते हो। देखिए, ये सूप कितना अच्छा लग रहा है और इतने सारे वेजिटेबल्स, इतने रंग बिरंगे कलरफुल लग रहा है। मीन्स इसको खाने में कितना अच्छा लगेगा। और आप इसको, इस हेल्दी सूप को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये सर्दियों के लिए एक बून है, आपके हेल्थ को न्यूट्रिशियस है और हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखेगा। आप इस टाइप के प्रिपरेशंस मैं लाती रहूँगी, जो कि आप इसको फॉलो कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। अब चलिए, जब ये उबाल आ रहा है, हम इसको एक चीज़ और कर सकते हैं। हम देखिए, बीप आ रहा है, यानी कि हमारा ब्रेड भी तैयार हो गया है। मैंने ये स्लरी तैयार किया है कॉर्नफ्लावर का, तो हम इसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐड नहीं करते हैं तो इसका जो बेस है वो पतला रहेगा।
अब ये स्लरी ऐड करने के बाद ये बेस थोड़ा गाढ़ा बन रहा है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। देखिए कितना गाढ़ा और कितना अच्छा सूप हमारा तैयार हो रहा है। अब ये बन के तैयार, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और हम इसको अभी 5 मिनट्स के लिए एक उबाल देंगे। मीन टाइम ये देखिए गार्लिक ब्रेड रेडी हो गया है, सूप हमारा उबल रहा है। अब हम लास्ट फिनिशिंग टच देंगे, इसमें थोड़ा सा मैं अभी ऑरेगनो ऐड करूँगी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप ऑरेगनो और ग्रीन ये रेड चिली फ्लेक्स जो है ये मैंने ऐड किया है, ये आप स्किप कर सकते हो। मुझे तीखा खाना पसंद है इसलिए मैंने अपने सूप में, और ये थोड़ा सा काली मिर्च, तो इसमें मैंने थोड़ा सा तीखापन ऐड करने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स मिलाया है। अब ये सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो आइए हम इसको सर्व करते हैं। आइए देखिए, देखिए ये मेरा सूप और मेरा टोस्ट रेडी हो गया है, गार्लिक ब्रेड के साथ सूप रेडी है, तो हमारा डिनर रेडी है। हमारा सूप बन के रेडी हो गया है, सूप के साथ गार्लिक ब्रेड, और ये हम थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे और एक पुदीना के साथ इसको हम गार्निश कर देंगे। होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। गार्डन में से जो फ्रेश वेजिटेबल्स निकलते हैं उसको मैंने सूप बनाया है। विंटर में बहुत वेजिटेबल्स आते हैं, तरह तरह की वेजिटेबल्स आप इसमें और ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ये गार्लिक ब्रेड बनाया जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, तो आप ऐसे ही न्यूट्रिशियस खाना इस टाइम बनाइए। ये एक हेल्दी डिनर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको फॉलो कीजिए, और आपको ऐसे ही रेसिपीज अगर और देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, ताकि मैं ऐसे रेसिपीज और लाती रहूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और ब्लिसफुल मोमेंट्स देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हम ऐसे रेसिपीज और लाते रहेंगे, या दूसरे टॉपिक्स पे जो भी आपको देखना है आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते हैं तो मैं वो टॉपिक्स बनाती रहूँगी। टिल देन गुड बाय बाय।